तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखते हैं और जेई मेन 2020 का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज। इससे पहले वाले जो सीरीज आप नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लिंक रहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं ये क्या कहता है। कि इसमें क्या है कि बेसिकली दो प्लेनेट हैं हम लोगों के पास, एक प्लेनेट का नाम है ए और एक प्लेनेट का नाम है बी। तो ये प्लेनेट ए है और ये प्लेनेट मैं बी बोल देता हूँ। इसका मास एम है और इसका रेडियस आर है, और इसका मास एम बाई टू है और इसका रेडियस आर बाई टू है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेनेट बी हैज प्लेनेट बी हैज हाफ ऑफ द मास एंड हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ ए इफ द एस्केप वेलोसिटी। अगर एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि जस्ट इन्फिनिटी पे मैं पहुंचा दूं, अगर यहाँ से वी वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दूं और वो जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाए तो उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो इन दोनों के एस्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालो, तो ये इंटीजर एन की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई? तो एस्केप वेलोसिटी किसी भी प्लेनेट से 2gm r अंडर रूट होता है। तो अब इस फार्मूले को मैं एक बार ए के लिए लगाऊंगा और एक बार प्लेनेट बी के लिए लगाऊंगा। तो चलो ए के लिए लगाते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी ए इज इक्वल टू 2g मास ऑफ द प्लेनेट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बी के लिए लगाओ तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट बी हो जाएगा, तो जी 2 times g मास ऑफ द प्लेनेट बी जो कि एम बाई टू है, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट जो कि आर बाई टू है बी का। तो अब जब ये टू ये एक दूसरे से ख़त्म कर देंगे तो 2gm ओवर आर अंडर रूट ये वाला आई वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे पता चला कि इक्वेशन फर्स्ट इसके वेलोसिटी ऑफ ए और बी आपस में बराबर है, तो ए अपन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1। और ये 1 तभी हो सकता है, तो इसको 4/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो फाइनल सोल्यूशन आया, इंटीजर एन की वैल्यू 4 होना चाहिए तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब सी ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में ऐसे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ आप बने रहो प्यारे बच्चों, और आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।